प्रिंट आउट उसका रह रहा था क्योंकि नेटवर्क नहीं चल रहा था मेरा, पता नहीं वॉइस में क्या प्रॉब्लम थी। अभी वॉइस क्लियर है? हेलो, हेलो ओके। देखो, फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन जो मैंने आपको बताया था, उसमें एक बार फटाफट से ये बताओ, इसमें कौन से फोर्स होते हैं दोनों पार्टिकल्स सरफेस और एड्सोर्बेट और एड्सोर्बेंट के बीच में बेंडेबल, जबकि इसमें कौन से फोर्स होते हैं केमिकल बॉन्ड। इसमें नई चीज नहीं बनती, इसके अंदर नई चीज बनती है। रिवर्सिबल कौन होता है इनमें से? रिवर्सिबल कि हो और अलग भी हो जाए आसानी से, रिवर्सिबल फिजिकल है। ये इरिवर्सिबल है। चलो, यहाँ मान गई मैं बात। फोर, टेम्परेचर बढ़ाने से कौन सा एड्सॉर्प्शन बढ़ता है? फिजिकल तापमान। फिजिकल टेम्परेचर बढ़ाने से फिजिकल एड्सॉर्प्शन बढ़ता है। और नेक्स्ट, इसमें देखो, ये टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? केमिकल एड्सॉर्प्शन घटता है। मैंने याद कराया था आपको, क्योंकि टेम्परेचर उसको रिएक्शन की जरूरत पड़ती है, उसको टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। एक्टिवेशन एनर्जी की डिमांड कहाँ होगी? एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन करवाने के लिए। केमिकल गुड। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की डिमांड नहीं होती, या होती भी है तो कभी कभार बिल्कुल लो लीस्ट, या होती ही नहीं है, जबकि इसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। यहाँ 6 पॉइंट याद हो गए आपको? फटाफट बताइए। चुका बच्चों, आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि रस्टिंग के लिए कौन से दो चीजें सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल हैं लोहे पर रस्टिंग के लिए? एटमॉस्फियर कौन मॉइस्चर सा? एटमॉस्फेयर में क्या? एटमॉस्फेयर में क्या चीज? मॉइस्चर ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताना, ये मॉइस्चर और मॉइस्चर और ऑक्सीजन जब लोहे की सरफेस पे आते हैं तो एक नई चीज बन जाती है सरफेस पे, क्या बन जाता है? रस्ट बनाना। रस्ट बना इन दोनों की वजह से बना। ये बताओ, इसके ऊपर नाइट्रोजन आके बैठ जाती तो क्या एड्सॉर्ब हो जाती नाइट्रोजन इस पे? किसी लोहे की सरफेस पे नाइट्रोजन आके बैठ रही है, बस कोई नई चीज नहीं बना रही, नाइट्रोजन जस्ट बैठी है, नई चीज नहीं बनाई, तो वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है या केमिकल एड्सॉर्प्शन है? फिजिकल वेरी गुड। सिर्फ कांटेक्ट हो रहा है, बेंडेबल फोर्स बस टच कर रहे हैं, कोई नई चीज नहीं बन रही, नई चीज नहीं बन रही, तो सिर्फ टचिंग हो रही है यहाँ पे, यानी कि वो जस्ट उस पे बैठ रहा आके, या फोर्स है हल्के से, वीक फोर्स, तो ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन है। और ऑक्सीजन और पानी आता, ऑक्सीजन वाटर आता, तो यहाँ क्या होता? केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो ये बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि कोई भी गैस किसी भी सतह पे आके फिजिकल एड्सॉर्प्शन कर सकती है? फिजिकल एड्सॉर्प्शन चाहे कोई भी गैस आ जाए हो ही सकता है, किसी भी सरफेस पे कोई भी गैस बैठ सकती है। बट ये बताइए कि केमिकल एड्सॉर्प्शन कब हुआ? जब ऑक्सीजन और वाटर आया, नाइट्रोजन के आने से केमिकल एड्सॉर्प्शन नहीं हुआ, तो स्पेसिफिक कौन होगा? स्पेसिफिक कि भाई ये आएगा तभी होगा वो चीज। केमिकल एड्सॉर्प्शन स्पेसिफिक होता है या फिजिकल एड्सॉर्प्शन स्पेसिफिक होता है? फिजिकल अच्छा रिंकू, तुम बताओ। फिजिकल गलत जवाब। केमिकल एड्सॉर्प्शन स्पेसिफिक होता है। केमिकल एड्सॉर्प्शन स्पेसिफिक होता है। दोनों ने गलत बताया आंसर। पहले तो ना एक काम करो, तुम ये एक पेज पे लिख लो ये बात, अगर तुम्हें याद नहीं हो रही है, मैं दोबारा सब कोशिश करती हूँ समझाने की। लिखो एक कॉपी, एक एक लाइन लिखो, केमिकल एड्सॉर्प्शन इज स्पेसिफिक। लिख लो। हो जाए तो बता देना। गया मुझे एक बार एक बच्चा ये बताओ, फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता क्या है, फिर मैं बताती हूँ। जल्दी से बताइए, फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या क्या होता है, मतलब क्या है इसका? मम्मी, एक तो एक इरिवर्सिबल है, एक रिवर्सिबल है। नहीं होता, इसका मतलब बता दो, मतलब क्या है ये रिवर्सिबल? ये तो मैं समझ गई।
मतलब क्या होता है एडसोर्प्शन का और रीसेडसोर्प्शन का मतलब क्या होता है? मैम केमिकल वाले में मतलब यस हम केमिकल वाले में न्यू सब्सटेंस बनता है और फिजिकल वाले में मतलब नया सब्सटेंस नहीं बनता। हाँ देखो ये होती है सरफेस, सरफेस को हम एडसोर्बेंट कहते हैं। अब इस पे कोई दूसरी चीज आ गई, पानी, गैस, कुछ भी कुछ भी, अगर वो आके जस्ट सिट डाउन हो रहे हैं, यहाँ पे रिएक्शन नहीं कर रहे, यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रही, वो बस बैठ रहे हैं, तो फिजिकल एडसोर्प्शन। और अगर रिएक्शन हो जाए, बॉन्ड बन जाए इनके बीच में, तो उसे बोलते हैं केमिकल एडसोर्प्शन। अब मुझे ये बताओ, मैंने अभी बोला आयरन के ऊपर जब ऑक्सीजन और वाटर आएगा सिर्फ तभी तो रस्टिंग होगी, केमिकल बॉन्ड तो तभी बनेंगे। क्या आयरन के ऊपर जब नाइट्रोजन आया था केमिकल बॉन्ड बनते हैं? कोई नई चीज बनती है केमिकल बॉन्ड, न्यू सब्सटेंस बनता है, यस और नो? अगर नाइट्रोजन आए तो हाँ नाइट्रोजन आए तो जब नाइट्रोजन आती है क्या कोई नई सब नई चीज बनती है आयरन के सरफेस पे, लोहे के सरफेस पे नाइट्रोजन के आने से? सुनो मेरी बात, तुम्हें आवाज नहीं आ रही शायद, रुको एक मिनट। विशाल फोन उठाओ। यस मैम। ओके अब ये बताइए मुझे, मल्टी मोलिकुलर लेयर कौन होता है, किसमें होता है मल्टी मोलिकुलर लेयर एडसोर्प्शन? फिजिकल एडसोर्प्शन में या फिजिकल में? फिजिकल एडसोर्प्शन में। और यूनि मोलिकुलर लेयर कहाँ? यूनि मोलिकुलर एक लेयर कहाँ बनती है बस? केमिकल में। वेरी गुड, चलो यहाँ तक तो हो गया। अब ना रिंकू तुमने रिकॉर्डिंग देखी थी, वो मैंने तुम्हें भेजी थी कल वीडियो। यस मैम। पूरी देखी है? यस मैम। रिंकू पूरी देखी थी? क्या कह रहे हो? कंप्लीट वीडियो देखी थी जो परसों की क्लास हुई थी, जो आपने भेजी थी ना वो वाली पार्ट टू वाली? हाँ हाँ वो पूरी देखी है। हाँ यस मैम। चलो तो अब मुझे क्वेश्चन का तुम आंसर देना, अगर तुमने पूरी देखी है तो। ये ना मैंने क्रिटिकल टेम्परेचर लिख रखे हैं, ठीक है? और हमारे कमरे का टेम्परेचर ना मान लो कि 39 है, कौन सी गैस पहले लिक्विफाई होगी? रिंकू आप बताओ कौन सी गैस पहले लिक्विफाई होगी, ए बी या सी?
कितना है मैम? 35। ये 35 है, ये 37 है, ये 30 है, और कमरे का टेम्परेचर 39 है। कौन सी गैस पहले लिक्विफाई हुई, ए बी या सी? मम्मी एक सेकंड। मम्मी अच्छा विशाल आप बताओ। बी बी होएगी मैम, तो इसने भी तो बी कहा है। देखिए जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो गैस पहले लिक्विफाई हो जाती है ना, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी वो लिक्विड बन जाएगी, राइट। अब ये बताना कोई चीज सरफेस पे कौन सी चीज ज्यादा एड्सॉर्ब होती है, कोई लिक्विड एड्सॉर्ब होता है या गैस? जल्दी कौन एड्सॉर्ब होता है, लिक्विड या गैस? किसी सरफेस पे कौन टिकेगा? अगर आपके हाथ पे पानी की बूंद रखूं और गैस रखूं, कौन सी चीज हाथ पे ठहरेगी? लिक्विड ना, लिक्विड चीज जल्दी ठहरती है। तो बस ये ध्यान रखना, अगर कोई पूछे एक सरफेस पे दो गैस है, कौन सी गैस जल्दी से चिपकेगी आके? वो गैस जल्दी चिपकेगी जो लिक्विफाई जल्दी हो सकती है, मतलब जिसमें फोर्स क्या हो, ज्यादा होती है। तो मान लो ए गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर 15 है और बी गैस का 25 है, बताना इनमें से कौन सी गैस ज्यादा एड्सॉर्ब होगी किसी सतह पर, सरफेस वाली? कौन सी? रिपीट कीजिए। बी वाली। गुड, बी गैस, गैस बी विल एड्सॉर्ब मोर। इंपॉर्टेंट है ये विशाल, मैं मजाक नहीं कर रही, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। बस ये पॉइंट याद रखना, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा वो जल्दी लिक्विफाई होगी, और जल्दी लिक्विफाई होगी वो ज्यादा ठहरेगी किसी सतह पर, क्योंकि सतह पे एक लिक्विड चीज ज्यादा ठहरती है ना कि गैस। ये बात तो बच्चा भी बता सकता है कि कौन सी चीज किसी पर ज्यादा देर अटकी रहेगी, लिक्विड। तो वो गैस जल्दी से अटकेगी किसी सतह पे जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। रिंकू तुम्हें क्रिटिकल टेम्परेचर रिपीट करवाना है? नो मैम। बताना क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर? जो चीज देर तक स्टेबल रहे। नहीं विशाल तुम बताओ क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर? सोना है होगा। हाँ क्रिटिकल टेम्परेचर वो होता है जिस पर कोई चीज ज्यादा देर, मतलब ज्यादा जल्दी वो कर जाए। गर्मी में बोल दो देर तक टिकी रहे। हाँ सॉरी, वो एयरप्लेन मोड पे हाथ लग जाता है गलती से। चलिए क्रिटिकल टेम्परेचर इनको तुम सुन लो कि क्या होता है, ये जरूरी है क्योंकि पी ब्लॉक में भी इसका एक टॉपिक आता है क्रिटिकल टेम्परेचर। देखो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, आपके आसपास गैस होगी ना, अभी एटमोसफेयर है तो गैस तो है ही। एक गैस, देखो गैस और लिक्विड में क्या अंतर होता है, लिक्विड में चीजें क्या होते हैं, पार्टिकल क्लोज क्लोज, गैस में पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर। मैं ऐसा क्या करूं कि पार्टिकल पास आ जाएं? अगर एक तो दबाव बना दूं, प्रेशर बढ़ा दूं, और क्या करूं भाई, गैस तो नाचती रहती है, अगर टेम्परेचर कम कर दूं तो वो पास नहीं आ जाएगी। बताओ क्या करूं कि गैस लिक्विड बन जाए, गैस लिक्विड बन जाए, मैं ऐसा क्या करूं? एक तो क्या कर दो, टेम्परेचर को लो कर दो, लो करने से गैस की एनर्जी कम हो जाती है, पार्टिकल पास आ जाते हैं। वही जा रही है? Yes, तो कोई पूछे ना कि हम गैस को लिक्विड कैसे बनाते हैं, तो उसका टेम्परेचर लो करके, क्या करके, ठंडा करके। तुमने अपने चाय वाय तो बनाती होगी, पानी तो उबालते ही होंगे घर में, गीजर तो होगा ही, तो तुम क्या देखती हो कि जो वेपर्स होते हैं जैसे ही किसी ठंडी चीज के कॉन्टेक्ट में आते हैं वो क्या हो जाते हैं, लिक्विड बन जाता है।
बिल्कुल सही कह रही हूँ ना, पानी का गिलास है, बर्फ से भरा हुआ पानी का गिलास, इसके आसपास पानी की बूंदें नहीं नजर आती, इतना तो पढ़ रखा है 9th में। क्यों आती है पानी की बूंदें, क्यों नजर आती है? अंदर का पानी थोड़ी बाहर आया है, क्योंकि हवा में पानी है, वो जैसे ही लो टेम्परेचर के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो लिक्विड बन जाता है। याद हो गया इतना? अब ये ए गैस है, ये बी गैस है, ये सी और ये डी है, इन सबको मैंने कहा ये 25 पे लिक्विड बनता है, ये 20 पे लिक्विड बनता है, ये 30 पे लिक्विड बनता है और ये 35 पे लिक्विड बनता है। अभी हमारा जो कमरा है ना, उसका टेम्परेचर 40 है सपोज, ठीक है, सपोज कीजिए कि 40 डिग्री सेल्सियस है हमारे कमरे का टेम्परेचर, तो मैं क्या करूं कि वो गैस लिक्विड बन जाए? लो करूं टेम्परेचर के बढ़ाऊं? आपको अपने कमरे में गैस को लिक्विड बनाना है, टेम्परेचर बढ़ा दूं या कम कर दूं? रिंकू भी बताएगी, मैं क्या करूं कि गैस लिक्विड बन जाए, टेम्परेचर लो या हाई? लो लो, अब तुम लो करना शुरू कर दो टेम्परेचर, वॉल्यूम, वो नहीं होता रिमोट, लो करो, 40 से 38 पे जाओ, 38 से 36 पे जाओ, 35 पे जाओ, बताओ कौन सी गैस, आपने कमरे का टेम्परेचर 35 कर दिया, बताओ कौन सी गैस लिक्विड बन गई? अब रिंकू आप भी बताओ। 29 पर कमरे का टेम्परेचर तो 35 है, वो कैसे बन गई अब लिक्विड? नहीं समझी? यूं बताओ, आपके आपके फ्रिज में जो बर्फ है वो कितने पे जमती है? जीरो पे जमती है, जमती है ना जीरो पे, और कमरे का टेम्परेचर 20 डिग्री, मान लो 35 है, वो थोड़ी जमेगी, मैंने 20 कर दिया, अब जम जाएगी? नहीं जमेगी, जब तक तुम जीरो नहीं कर दोगी। लो करना है टेम्परेचर, लो, तो एक ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये 20 पे लिक्विड बनती है, ये 25 पे, ये 30 पे और ये 35 पे, और कमरे का टेम्परेचर 38 है, तुम अब लो टेम्परेचर करो, पहले 37 आएगा, और कम कर दो 36, और कम कर दो टेम्परेचर 35, फिर से सोचो, तुमने कमरे का टेम्परेचर 35 कर दिया, कौन सी गैस को टेम्परेचर मिल गया लिक्विड बनने के लिए? रिंकू मैम, ए कैसे, मुझे ये बताओ किस तरीके से, ए कितने डिग्री पे बनता है लिक्विड, ए गैस कितने टेम्परेचर पे लिक्विड बनती है? रिंकू मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम मेरे से बात ही नहीं कर रही, रुको मैं लेफ्ट करके कॉल करती हूँ तुम्हें पहले। रही हूँ, दो पॉइंट लिख लो, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है वो पहले लिक्विड बनती है। दूसरा, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं। लिख लिया? यस मैम। चलो ये हो गया समाप्त, एक बार रिवाइज कर लो सारे पॉइंट्स, फिजिकल एडसॉर्प्शन और केमिकल के। न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, न्यू सब्सटेंस बनता है, रिवर्सिबल होता है, ये क्या होता है, इरिवर्सिबल। स्पेसिफिक वंडरवॉल कौन होता है? फोर्सेस स्पेसिफिक, केमिकल वाला। हाँ भाई, वंडर, इसमें केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड कौन कौन से बन सकते हैं, या तो आयनिक या फिर कोवेलेंट। चौथा, स्पेसिफिक कौन है? स्पेसिफिक ये फिजिकल केमिकल रिंकू, फिजिकल में तो कोई भी गैस किसी भी सरफेस पे आके बैठ सकती है। अच्छा एक बात बताऊं, सबसे अच्छा एग्जांपल दूं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, उसे तुम्हें जल्दी समझ आएगा। ये आप ना एक टीचर हो रिंकू, टीचर है यस मैम। और एक क्लास है, ये टीचर की सीट है, ये बच्चों की सीट है, ये बच्चों की सीट है,
ये बच्चों की सीट या टीचर की सीट। अब टीचर ना वो किसी भी सीट पे बैठ सकता है, वो अपनी पे बैठ जाए चाहे बच्चों की पे बैठ जाए, कहीं पे भी बैठ सकता है। पर ये बताओ क्या कोई बच्चा आ जाए, अब ये तुम मान लो कि ये कोई बच्चा आ गया, विशाल आ गया, क्या विशाल टीचर की सीट पे बैठ सकता है या सिर्फ वो बच्चों भी बैठेगा? बच्चों भी बैठेगा। अच्छा विशाल जी, नहीं बच्चा नहीं बैठ सकता टीचर की सीट पे, बच्चा बच्चों पे ही बैठेगा, ठीक है, पर लेकिन जो टीचर होती है वो कहीं भी बैठ सकती है, उसकी मर्जी। तो ये बताओ यहाँ स्पेसिफिक क्या है कि ये होगा ही होगा, बच्चे का बच्चे की सीट पे बैठना स्पेसिफिक है, इसी तरीके से टीचर कहीं भी बैठ सकता है, कोई अपनी मर्जी है, मनमर्जी का मालिक है, प्रिंसिपल कहीं भी घूम सकता है, पर बच्चों के लिए रेस्ट्रिक्शन है कि बच्चा क्लास में नहीं तो लाइब्रेरी इन जगह जा सकता है, उस और कहीं नहीं घूम सकता, समझे स्पेसिफिक का मतलब। कौन होगा स्पेसिफिक? केमिकल, एक रिएक्शन एक ही सब्सटेंस हो सकती है, यूं नहीं है कि कोई भी गैस आए और वहीं पे आके बॉन्ड बना लेना, सारे बॉन्ड कभी नहीं बनते, ऐसा कुछ नहीं है कि हर जगह। अब ये बताओ कभी सोने पे रस्टिंग होती है, सोने पे कोई जंग लगता है? नहीं, उसकी सरफेस पे नहीं लगती। तो बस अगला पॉइंट, टेम्परेचर बढ़ाने से फिजिकल एड्सॉर्प्शन बढ़ता है घटता है? जल्दी बताओ, फिजिकल एड्सॉर्प्शन बढ़ता है घटता है? बढ़ता है। ये लड़के यार क्या है। तो मैम घटता क्या है ये इसमें पहले? अच्छा वो टेम्परेचर, हाँ ठीक है मैं समझ गया। ढाले भगवान मुझे नहीं, ना ना मैं समझ गया। केमिकल एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है या कम होता है? केमिकल कम होता है, बढ़ता है, पहले बढ़ता है कम होता है। अरे तो हाँ पहले बढ़ता है फिर कम होता है। चलो पांच पॉइंट याद हो गए। अगला पॉइंट फिजिकल और केमिकल, चलो एक टॉपिक तो हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है, एक तो हुआ कम से कम, जो भी ये पॉइंट है अपना समझ लेना। मल्टी लेयर कौन सा होता है? मल्टी लेयर के फिजिकल और ये यूनिलेयर। आय हाय, अगला टॉपिक, ज्यादा एनर्जी का लॉस कहाँ होता है? ज्यादा एनर्जी का लॉस फिजिकल में, क्योंकि मेरी गलती हो। रिंकू ने बिल्कुल सही जवाब दिया, केमिकल में। विशाल तुम्हारा डाउट कहाँ? वैसे मल्टीलेयर बनाता है तो ज्यादा एनर्जी तो इसमें होनी चाहिए ना। अच्छा ये क्या चीज है भाई, बढ़िया सी चीज है। हाँ भाई सुनो, तुम जोड़ो मत सारी चीजों को। देखो देखो कोई सब्सटेंस, कोई गैस है विशाल, कोई गैस है, जब वो किसी सतह पे बैठती है तो उसकी जो एनर्जी थी वो कम होती है या बढ़ती है सरफेस पे बैठने से? कम होती है। अब वो गैस सिर्फ दो मिनट के लिए बैठने आई है और एक गैस है यहाँ पे आके बैठी नहीं, बॉन्ड भी बना चुकी है, बिल्कुल टिक के शांत। कौन सी गैस ज्यादा स्टेबल है दोनों में से? ये ज्यादा स्टेबल, ये कम, अभी भी एनर्जी बची है, तो लॉस कितने का हुआ? इसमें कम एनर्जी का लॉस हुआ, इसमें ज्यादा। छोड़, देखो जितनी एनर्जी निकल जाती है उसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। किसमें ज्यादा एनर्जी निकलती है? केमिकल में। नंबर भी याद कर लेना, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लो, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज हाई। इसमें ये याद रखो 20 से 40 एनर्जी निकलती है, कितनी? 20 से 40 एनर्जी निकलती है इसमें, 80 से 240 एनर्जी निकलती है, 80 से 240 के बीच। जब निकलती है एनर्जी माइनस का साइन लगाते हैं कि प्लस का? माइनस का। गुड, तो जब एनर्जी निकलती है उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं कि एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। वेरी गुड, तो क्वेश्चन आएगा ऐसे आएगा, एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक होता है, तो क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। गुड, आपका ना लास्ट टॉपिक बचा है, एड्सॉर्प्शन खत्म हो